हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। और ये यहाँ पर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, बादाम, किशमिश, पिस्ता, और मैंने गोले यहाँ पर लिए हैं, और ये मैंने लिया है गोंद, और बूरा मैंने यहाँ पर ली है। तो सबसे पहले हमने गोले को काट कर और मिक्सी में दरदरा पीस लिया है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। ये देसी घी के लड्डू बनते हैं हमारे, जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होते हैं। और इस तरह के लड्डू हम बनाते हैं और खाते हैं तो हमारी हड्डियाँ इससे मजबूत बनती हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर गोंद कढ़ाई में डाल दिया है और इसको हमें हल्का सुनहरा होने तक भूनना है। ये आसानी से भुन जाता है। और ऐसे ही हम गोंद को 2 बार में थोड़ा थोड़ा करके भून लेंगे। एक बार ज़्यादा गोंद डालने से अच्छे से भुनता नहीं है। और अब हमने बचे हुए घी में यहाँ पर मैंने बादाम डाल लिए हैं और बादाम को भी हम सुनहरा होने तक भुनेंगे। और यहाँ पर हमारे बादाम भी भुन चुके हैं और अब हम इनको भी निकाल लेंगे एक बर्तन में। और ऐसे ही सारे ड्राई फ्रूट्स को हम फ्राई कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पर काजू भी भून लिए हैं। सभी को हमें हल्का सुनहरा होने तक भूनना है। और यहाँ पर किशमिश मैंने ली है और किशमिश हमारी घी में डालने से एकदम से अंगूर की तरह फूल जाती हैं। ये देखिए कैसे फूल गई हैं। और अब इनको फूलते ही हम निकाल लेंगे। तो ये हमारी किशमिश भी भुन चुकी है। और सारी चीज़ों को हम अच्छे से फ्राई करके तब लड्डू बनाते हैं। और अब इस बचे हुए घी में हमने यहाँ पर जो गोला मैंने मिक्सी में पीसा था वो मैंने यहाँ पर ये भी थोड़ा सा भून लिया है। इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, हमें 1 मिनट के लिए ही भूनना था। और अब यहाँ पर हमारे बादाम और पिस्ता ठंडे हो चुके हैं। और अब हम इनको मिक्सी के जार में डाल के इनको भी हम दरदरा ही पीसेंगे, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स थोड़े मोटे मोटे अगर रहते हैं तो लड्डू में ज़्यादा टेस्ट आता है। तो इनको भी मैंने दरदरा पीस लिया है। और सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे बूरा। बूरा को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो कम डालेंगे। और अब हम यहाँ पर डालेंगे देसी घी, 2 से 3 चम्मच और हम यहाँ पर डालेंगे। और 2 से 3 चम्मच हमने ड्राई फ्रूट्स को भूनने में घी को लिया था। और हम लड्डू बनाकर देखेंगे। और लड्डू हमारे नहीं बन रहे थे, इसीलिए मैंने 2 चम्मच घी यहाँ पर गर्म करके और डाल लिया है। और ये देखिए अब हमारे लड्डू अच्छे से बन रहे हैं। और फटाफट से हम लड्डू बना लेंगे। और सर्दियों में इस तरह से लड्डू बनाकर हम खाते हैं। और किसी भी मौसम में हम ये लड्डू बनाकर खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। ये काफ़ी हेल्दी हमारे लिए होते हैं। और हम सभी इस तरह के लड्डू बनाकर खा सकते हैं। ये काफ़ी आसान भी है बनाने। और ये देखिए फटाफट से मैं सारे लड्डू बना लूँगी। और ये लड्डू आप दूध के साथ खाइए। ये देखिए मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं। तो इस तरह से लड्डू बनाकर आप ज़रूर खाइए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।